नमस्कार, मैं रविश कुमार, चैंपियन ऑफ द अर्थ की नाक के नीचे आज एक और अनर्थ हो गया। अपने जीवन काल में गंगा को साफ होते देखने की चाह रखने वाले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का निधन हो गया है। 17 साल तक आईआईटी कानपुर के सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा चुके प्रोफेसर अग्रवाल ने न जाने कितने छात्रों को इस विषय के प्रति जागरूक किया, खुद मीडिया को और राजनीति को भी गंगा के बारे में बताया। वो गंगा के लिए भागीरथ बनकर आए थे, मगर राजनीति और सिस्टम की उदासीनता ने उनकी जान ले ली। समाज भी उदासीन ही रहा। आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर 86 साल की उम्र में 111 दिनों के उपवास पर बैठा हो उस गंगा को लेकर जिसके बहाने राजनीति और मीडिया दो मिनट में हिंदू मुसलमान कर दें, लेकिन एक ईमानदार प्रयास के साथ कोई नहीं आया। न गंगा बची, न जीडी अग्रवाल बच सके। 111 दिन के अनशन के बाद दम तोड़ दिया। 22 जून से अनशन पर थे और अपनी मांग ना माने जाने पर उन्होंने मंगलवार रात से ही जल का भी त्याग कर दिया था। इसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने बुधवार को उन्हें कनखल के मातृ सदन से जबरन उठा लिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह 111 दिन से अनशन पर बैठे एक संत को जबरन एक एसडीएम और उसके अधिकारी उठाकर ले जा रहे हैं उनका अनशन तुड़वाने के लिए। इस दौरान मातृ सदन के आसपास धारा 144 लगा दी गई, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद ने इसका सख्त विरोध किया है। यहां से उनका जो स्वागत धारा का वो कागज हम पढ़ रहे थे, ये चौकी इंचार्ज हमको कागज भी पूरा पढ़ने नहीं दिया। जबरदस्ती जो ही और एक स्वागत धारा लगाया है, वो साइन किए हैं कि उनको जबरदस्ती उठा के दे गया है। हमने कहा है कि हमको समय दो ताकि मैं कोर्ट से इसका स्टे लूं, वो समय भी हमें नहीं दिया और यहाँ से ले गया है। जब मनीष कुमार को हम ये कहते हैं कि यह वहाँ इनको कुछ अब होता है तो पूरी जवाब दी आप पढ़ेगी, तो बोला हम पूरा जवाब दे रहे हैं। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल कोई साधारण साधु संत नहीं थे, वो बाकायदा प्रोफेसर थे और पर्यावरण की दुनिया में, पूरी दुनिया में उनका नाम था। मातृ सदन से जबरन ले जाकर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा दिया गया। यहां भी उन्होंने अनशन के साथ जल त्याग जारी रखा, लेकिन डॉक्टरों के मनाने पर वो दवा के तौर पर पोटेशियम लेने को तैयार हो गए। गुरुवार सुबह 7:45 बजे खुद अपने हाथ से एक पत्र लिखा, जिसमें अस्पताल के डॉक्टरों का धन्यवाद दिया और बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें सभी विकल्प बताए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर डॉक्टरों की राय पर पोटेशियम लेने को तैयार हो गए हैं, लेकिन अन्न और जल का त्याग जारी रखेंगे। इस लिखाई से स्पष्ट हो जाता है कि 111 दिन के अनशन के बावजूद उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं थी। देखिए कितना लिखा है उन्होंने। कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से भूख हड़ताल पे थे और ओरली कोई चीज़ ले नहीं रहे थे, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने की वजह से उनको जो है, और शरीर की उम्र भी काफ़ी थी, साथ में कुछ पुरानी हार्ट की डिजीज़ भी चल रही थी। हालांकि मातृ सदन के लोग और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को जानने वालों को लगता है कि उनकी मृत्यु के कारणों की जांच होनी चाहिए। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का निधन एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक संस्था का निधन है। प्रोफेसर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखा इस अनशन के दौरान भी और पहले भी। वे चाहते थे कि गंगा को लेकर कुछ ठोस हो, नारेबाजी ना हो। जीडी अग्रवाल गंगा को लेकर सरकार को उसके वादे की लगातार याद दिलाते रहे, कहते रहे कि गंगा की धारा को अविरल किया जाए, उसके रास्ते में बांध बनाने बंद किए जाएं, गंगा के किनारे अवैध खनन बंद कराया जाए। ये सब नहीं हो सका। गंगा में गिर रही गंदगी को रोका जाए, ये नहीं हुआ। इसके लिए गंगा को लेकर एक कानून बनाया जाए, जिसका एक ड्राफ्ट उन्होंने केंद्र सरकार को बनाकर भेजा। लेकिन मंगलवार को उनका अनशन तुड़वाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने साथ गंगा और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी को जो आश्वासन लेकर आए, उसमें कोई भी ठोस आश्वासन उन्हें नहीं मिला। लिहाजा जीडी अग्रवाल ने पानी भी पीना छोड़ दिया। इसको ये दिखलाया कि ये नोटिफिकेशन बना, यहाँ पे किसी हस्ताक्षर नहीं है। यहाँ पे नाम तो लिखा गया राज टी राजी लेकिन ये तो मैंने लिखा कि हस्ताक्षर तो है नहीं इस पर। इस पर कोई डेट नहीं है। अरे वाह, यहाँ पर कोई डेट नहीं है। यहाँ अंतिम वाक्य है इसका ये कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ये भेजा सबमिटेड प्रपोज टू इशू मतलब इशू नहीं हुआ, प्रपोज टू इशू नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू दिस, ये अप्रूवल के लिए फॉर भेजा, सबमिटेड फॉर अप्रूवल। इस पर ये गडकरी ने ये कल ही ये यों करके ये लिख दिया और ये मोहर लगा दी और ये इनको दे दिया कि ये हो गया। क्या सरकार ने टाल मटोल तरीके से इस मामले को डील किया? दो दिन पहले उनका बयान देखिए, वो कितने हृष्ट पुष्ट हैं और
अपने सरकार से के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आज उनकी मौत हो गई। 2013 की भयानक आपदा में 5,000 से अधिक लोग मरे थे केदारनाथ वाले हादसे। उसके बाद कई वैज्ञानिक रिपोर्ट आई जिनमें कहा गया कि गंगा को बचाने के लिए तुरंत कोई ठोस फैसले लेने होंगे कई, लेकिन किसी पर अमल नहीं हुआ। 2014 में वन और पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई जिसमें कहा गया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने 2013 की आपदा को बढ़ाने में आग में घी का काम किया है। इस रिपोर्ट में गंगा नदी के बेसिन में बन रहे बांधों पर रोक लगाने की सिफारिश की गई। 2016 में खुद गंगा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि बांधों से गंगा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, इसलिए बांधों पर रोक लगनी जरूरी है, लेकिन सरकार ने इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज स्थिति यह है कि अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी के बेसिन में 70 बांध परियोजनाएं हैं, इनमें से 19 पूरी हो चुकी हैं। इन बांधों से पर्याप्त प्रवाह ना होने का नुकसान भी साफ दिख रहा है। इसके अलावा 17 छोटे बड़े बांधों को बनाने का काम चल रहा है। सोचिए क्या भयानक तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा पहाड़ों में गंगा के किनारे। इनमें 4 बड़े बांध हैं, 24 बांध गंगा पर प्रस्तावित हैं जिन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। ये बम्पर टू बम्पर बांध गंगा का गला घोटने को आतुर है। कई और रिपोर्ट हैं जो गंगा और हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी के प्रति आगाह करती हैं और गंगा से खिलवाड़ को मना कर रही हैं। 2010 में तब के योजना आयोग ने हिमालयी राज्यों के लिए जीबी मुखर्जी टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने कहा था कि हिमालयी इलाकों में पानी के स्रोतों के आसपास कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, हिमालय को राजस्व उगाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। 2012 में भी कहा था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। 2013 में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों से जुड़ी चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि गंगा की कुछ सहायक नदियों को प्रिस्टीन फॉर्म में छोड़ देना चाहिए, यानी जैसी वो हमेशा से बहती रही हैं वैसी छोड़ दीजिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तराखंड की विकास नीतियों ने डिजास्टर के लिए एक परफेक्ट रेसिपी तैयार की है, फॉर्मूला तैयार कर दिया है। राज्यों में सड़क के निर्माण, बांधों का निर्माण, अंधाधुंध पर्यटन को आपदा का जिम्मेदार ठहराया गया था। 2014 में रवि चोपड़ा कमेटी ने साफ कहा था कि गंगा पर बने सभी बांधों ने अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। इस कमेटी में कई जाने माने वैज्ञानिक और जानकार शामिल थे, लेकिन सरकार ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये इसलिए गिना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि नारा देना कितना आसान है और काम करना कितना मुश्किल। इसी साल की शुरुआत में नीति आयोग ने कहा कि हिमालय में पानी के 60% स्रोत सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। इसी साल की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि 1000 मीटर से ऊपर जब जाएंगे तो वन क्षेत्र घटता हुआ मिलेगा। जुलाई 2018 नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि करीब आधा उत्तराखंड अति गंभीर भू कटाव की जद में है और मिट्टी का ये कटाव टॉलरेंस लिमिट यानी सहनशीलता से ऊपर है। सबसे खराब स्थिति गंगा के कैचमेंट एरिया की है। यहाँ 40 से 80 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से भू कटाव हो रहा है जो गंभीर श्रेणी है। सबको सब दिख रहा है मगर उद्योगपतियों, ठेकेदारों और नेताओं के नेक्सस के बीच विकास नाम की चांदनी में गंगा किसी को नहीं दिखती है। वो सिर्फ नारों में दिखती है भड़काने के लिए या बहकाने के लिए। इसी नेक्सस के कारण सरकार और सरकारें हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को खनन से मुक्त तक नहीं करवा पाई हैं। वो गंगा को क्या साफ करेंगी, जबकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सेक्शन 5 लगाकर यहां खनन पर रोक लगाई हुई है। गंगा के प्रति किसी टेक्नोक्रेट का इस तरह लगाव होना ये अपने आप में बड़ी विलक्षण बात थी और इसी वजह से वो गंगा अभियान में भी वो जुड़े और बड़े बड़े स्थान पर उन्होंने काम किया। IIT कानपुर के वो डीन भी रहे हैं और फिर जो पर्यावरण मंत्रालय था वहाँ पे वो मेंबर सेक्रेटरी भी थे। तो इतने बड़े बड़े पद पे रहते हुए और उन्होंने बाद में अपने जीवन में उन्होंने गंगा के डायमेंशन को अपने उसमें ऐड किया कि पूरा अपना जीवन मैं इसके लिए समर्पित करूँगा और वो यहाँ आते थे तो एकदम गंगा जी के नाम पे अभिभूत होते थे। एक संत के साथ वैज्ञानिक थे, ऋषिकेश एम्स को शरीर भी दान कर दी थी पहले ही, लेकिन गंगा के सवाल पे जो बलिदान कर गए, जिस तरीके से उन्होंने लड़ा 2008 से लेकर के 2018 तक के प्रत्येक अनशन का मैं साक्षी रहा हूं।
प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का निधन हुआ है गंगा के लिए। अब सोचिए, इतना मंत्रालय बन गया, इतनी राजनीति हुई, मगर एक प्रोफेसर संत हो गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने गंगा के लिए, अनशन पर बैठ गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। चार धाम परियोजना के नाम पर वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे उत्तराखंड में, तो सड़क के चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट जो है वो भी गंगा को बर्बाद कर रहा है। जहां तहां मलबा गिराया जा रहा है, अंधाधुंध पर्यटन ने पूरे इलाके की पारिस्थितिकी खराब कर दी है। इसे रोकने के बजाय अनशन तुड़वाने पर ही हमेशा जोर रहता है, जिसके चक्कर में निगमानंद की जान चली गई। सोचिए, कुछ साल पहले 115 दिन के अनशन के बाद जबरन खाना खिलाने के चक्कर में उनकी जान गई। अब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने अपना जीवन दे दिया। इसी कड़ी में हरियाणा के एक साधु संत गोपाल दास ने ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में बुधवार से अन्न जल त्याग कर दिया है। यानी कुछ लोग गंगा को लेकर अपनी जान देने की हद तक सीरियस हैं और कुछ लोग नारा देने की हद तक सीरियस हैं। उन्होंने 24 जून से बद्रीनाथ में अनशन शुरू किया है। प्रशासन उन्हें जबरन एम्स ऋषिकेश ले आया है, तब से वो ऋषिकेश में अनशन पर हैं और अब उन्होंने जल भी त्याग दिया है। सवाल है, गंगा बचेगी या एक और जान जाएगी? अब गंगा की बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर विज्ञापन क्यों नहीं आ रहे हैं? मंत्रियों के ट्वीट क्यों नहीं आ रहे? अब देखिए कि कौन कौन लोग श्रद्धांजलि भी दे रहा है जीडी अग्रवाल को, ये भी आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। भारत ने एक महान पर्यावरणविद खो दिया है। गंगा के लिए कोई नारा लगा दे, खबर बन जाएगी, कोई जान दे दे, खबर गायब हो जाएगी। रफाल विमान को लेकर फ्रांस से फिर एक खबर आई है, जिस मीडिया पार्ट वेबसाइट ने 21 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का एक बयान छापा था, जिसका ओलांद ने आज तक खंडन नहीं किया। फ्रांसवा के समय ही 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने रफाल का सौदा किया था। उस खबर के बाद 10 अक्टूबर को फिर एक खबर आई है। इस बार मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि उसके पास दासो एविएशन के कुछ आंतरिक दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनसे पता चलता है कि अनिल अंबानी की कंपनी को साझेदार बनाने के लिए दबाव ही नहीं बल्कि आदेश जैसा दिया गया। मीडिया पार्ट को जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि दासो ग्रुप ने रिलायंस के साथ काम करना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इस डील को हासिल करने के लिए अनिवार्य रूप से और आदेश के लहजे में यह शर्त रखी गई थी, तभी जाकर लड़ाकू विमान का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मीडिया रिपोर्ट ने इस अधिकारी का नाम लोइक सैगलेन बताया है, शायद गलत उच्चारण हो मुझसे, और यह दस्तावेज 11 मई 2017 का है। 11 मई 2017 का दस्तावेज यानी डील होने के 2 साल बाद का। पेरिस में हमारी सहयोगी नुपुर तिवारी ने मीडिया पार्ट के रिपोर्टर से बात की। पत्रकार का कहना, चूंकि वो फ्रेंच बोल रहे हैं इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा बता देता हूं, कि वे जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं उनका दासो एविएशन में दूसरा स्थान है उन हैसियत के हिसाब से। मीटिंग के मिनट्स बता रहे हैं कि रिलायंस को पार्टनर बनाने के लिए अनिवार्य रूप से शर्त रखी गई थी, तभी 36 रफाल विमानों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। Dit clairement, selon ce compte rendu de réunion, que le choix de créer une joint venture dans le cadre des contrats de compensation, donc une joint venture pour la construction d'une usine à Nagpur avec la société Reliance, est une contrepartie obligatoire pour l'entreprise Dassault Aviation pour obtenir le contrat et le marché global des 36 Rafales. Très clairement, le choix et l'initiative de créer cette joint venture est intimement liée à l'obtention du contrat Rafale des 36 Rafales à l'Inde. विपक्ष का आरोप है कि 8 बिलियन यूरो से अधिक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 3.9 बिलियन यूरो का करार अनिल अंबानी की कंपनी से हुआ। ये आरोप है, यह करार अनिल अंबानी की कंपनी को मिले इसके लिए दबाव डाला गया। मीडिया पार्ट की यह रिपोर्ट इसी की पुष्टि करती है। आपको याद होगा कि 21 सितंबर को जब मीडिया पार्ट ने पहली बार खबर की थी, तब पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने बयान दिया था कि हमारे पास पार्टनर चुनने का कोई विकल्प नहीं था, भारत की सरकार ने ही रिलायंस को प्रस्तावित किया, दासोक ने अंबानी के साथ समझौता किया, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम उस मध्यस्थ के साथ काम कर रहे थे जो हमें दिया गया था, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसका संबंध फिल्म जूली गाइए से होगा।
फ्रांसवा ओलांद और प्रधानमंत्री मोदी ने ही करार किया था। उन्होंने भी कहा कि रफाल का पार्टनर बनाने के लिए दबाव डाला गया, हमें कोई विकल्प नहीं दिया गया। दासो एविएशन के नंबर दो अधिकारी, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि 36 विमानों की डील के लिए शर्त दी गई ऑर्डर की शक्ल में कि अंबानी की कंपनी को ही पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो दो कड़ियां मिल रही हैं। वैसे दासो एविएशन ने इस खबर के बाद बयान जारी किया है कि दासो एविएशन कि सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस की सरकार के बीच जो फ्रेमवर्क तय हुआ था, उसी के तहत दासो एविएशन ने भारत को 36 रफाल विमान बेचे हैं। भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया के नियमों के तहत ही दासो एविएशन ने खरीद मूल्य का आधा का ऑफसेट एग्रीमेंट किया है। इसके लिए दासो एविएशन ने बिना किसी दबाव के रिलायंस ग्रुप को पार्टनर बनाया है। 10 फरवरी 2017 को यह साझा वेंचर बना दासो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL। अन्य कंपनियों के साथ भी करार किया गया, जैसे BTSL, DEFSYS, काइनेटिक, महिंद्रा, माइनी, सैमटेल और 100 अन्य संभावित साझेदारियों से बातचीत चल रही है। ये राफेल के मामले में नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि बुधवार शाम को ये फ्रांसीसी न्यूज वेबसाइट जो है मीडिया पार्ट जिसका नाम है, उसने ये बताया, ये पब्लिश किया कि दासो का एक अंदरूनी डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट उसके हाथ में है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि दासो का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी, लॉइक सेगलन नाम है उनका, उन्होंने दासो के वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, काम करने वालों को ये बताया है कि काम हमें अनिल अंबानी के कंपनी भारत में इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि नई दिल्ली की तरफ से प्रेशर आया हुआ है। उन्होंने बोला है कि ये ज़रूरी कंडीशन है, आपको ये डील 36 रफाल जहाज़ों की डील अगर चाहिए तो अनिल अंबानी को काम देना होगा। तो ये अंदरूनी डॉक्यूमेंट उनके हाथ में जो आया है, ये कल रात को उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की। ये इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट होलांद, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिन्होंने ये 36 रफाल की डील अनाउंस की थी पेरिस में अप्रैल 2015 में, उन्होंने भी यही बात की थी। उन्होंने बोला था कि नई दिल्ली ने हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। उन्होंने ये बोला था कि आपने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको तो ये नई अनिल अंबानी के कंपनी को काम देना होगा। तो इससे ये महसूस हो रहा है कि नई दिल्ली अनिल अंबानी के कंपनी को काम इस डील के ऑफसेट्स के ज़रिए देना चाह रही है। ऑफसेट्स का मतलब क्या है? जब कोई डील होती है, फ़र्ज़ कीजिए 10 करोड़ रुपए की डील है, तो 5 करोड़ यानी कि पूरे डील का आधा वैल्यू, 5 करोड़ का काम आपने भारतीय कंपनियों को देना है। अभी ये आमतौर पे जो फॉरेन वेंडर है, जो माल बेच रहा है, ये उसके हाथ में छोड़ा जाता है कि आप किस कंपनी के साथ ये ऑफसेट्स डिस्चार्ज करना चाहते हो। लेकिन इसमें अभी ये प्रेसिडेंट होलांद ने और उसके बाद में ये दासो के डॉक्यूमेंट में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने दासो के हाथ में ये मामला नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला आपने अनिल अंबानी की कंपनी को ये काम देना है। तो भारत सरकार और अनिल अंबानी के बीच में एक नेक्सस महसूस हो रहा है और इसके वजह से जो है, जो ऑपोजिशन पार्टियाँ हैं, उन्होंने कह रखा है कि आप दोनों मिले हुए हो, ये बिल्कुल गलत काम है और वो पूरा फैक्ट्स अभी जान पब्लिक डोमेन में लाना चाह रहे हैं। अजय शुक्ला अपना ब्लॉग भी लिखते हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड में भी लगातार लिखते हैं, इस रफाल इशू पे बहुत दिनों से जमकर लिख रहे हैं। दासो ने अभी तक ये नहीं कहा कि फ्रांसवा ओलांद का बयान गलत है, वो अपनी बात रख रहे हैं पर उनकी बात को गलत नहीं कह रहे हैं। मीडिया पार्ट का दावा गलत है ये वो नहीं बोल रहे, वह अपनी बात रख रहे हैं। ओलांद भी अभी उन्होंने भी खंडन नहीं किया। राहुल गांधी ने रफाल मुद्दे पर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रफाल कंपनी तो वही बोलेगी जो भारत सरकार चाहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत पैसे का खेल है। रक्षा मंत्री भी इन दिनों फ्रांस में गई हैं, तो सब कोई गोल गोल घूम रहा है। लेकिन मेरा आरोप है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए दासो पर विशेष रूप से दबाव डाला गया। देश में मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है, प्रधानमंत्री जी के सामने भ्रष्टाचार हुआ है। एलिगेशन लग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दबाव तो हमारा है और
इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा तो देना चाहिए। अगर अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं बट मेन बात यह है कि जिस बात के लिए प्रधानमंत्री आए वो प्रधानमंत्री ने ही मतलब भ्रष्टाचार करा है। क्या कहानी राफेल कंपनी पे दबाव डालना, डेसॉल्ट कंपनी पे दबाव डालना, उनको चुप करना, कवर अप करना, यही तो है लॉजिक। डेसॉल्ट रिमेंबर वन थिंग, डेसॉल्ट इज सिटिंग ऑन ए ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट। डेसॉल्ट इज गोइंग टू से व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स इट टू से। नाउ हियर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ डेसॉल्ट। द इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ डेसॉल्ट सेज क्लियरली व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हिच इज दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया has said that without this compensation, this deal cannot be done. So the whole idea right now is to put pressure on Dassault. It doesn't matter. Look, the truth here is going to come out. There is enough material on this thing for the truth to come out. One by one, one by one, one by one, the truth is coming out. And it will become very apparent. Ek baat badi clear hai. Aur aaste aaste pure desh ko samajh aa jayegi. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को ये राफेल कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 करोड़ रुपए दिलवाए हैं, और ये अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी और इंफॉर्मेशन आएगा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, वो आएगा। बट रियलिटी है कि ये सिर्फ राफेल लेवल कप की बात नहीं है, ये डिफेंस इंडस्ट्री की बात है। और आस्ते आस्ते अलग जगह अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी यही सवाल उठेगा। इंटरनल पेपर्स है दसों के हमारे पास, आपके पास होंगे इंटरनल पेपर, वो किस मीडिया हाउस में छपे हमें पता है, हमारे पास तो एक्सटर्नल और रियल पेपर है। जो पेपर आप सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है डसो का, वो पेपर हमारे पास है। मोटा मोटा इसका अर्थ अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो डसो कहती है कि हां हमने ऑफसेट दिया इंडिया में, वो मैंडेटरी है, 50% का ऑफसेट देना मैंडेटरी है। 2005 में यूपीए की सरकार ने जो कानून बनाया था जिसके अंतर्गत ऑफसेट देना मैंडेटरी है, आप वहां से ऑफसेट हटा देते हैं और रिलायंस ले आते हैं। ये किस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर बिल्कुल ठीक है, मतलब विदेश राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनकी खबर को लेकर हिंदी अखबारों का रवैया समझ नहीं आ रहा है। किसी संस्करण में खबर है, यहां है तो वहां नहीं है, और जहां है वहां आरोपों का विस्तार से कहीं जिक्र नहीं है। किस महिला पत्रकार ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, किस तरह का डिटेल है वो नहीं है। बहुत 10-20 लाइन की खबरें हैं जिनमें राजनीतिक आरोप का ही ज्यादा जिक्र है, मतलब कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा या एमजे पर लगे आरोप टाइप से। जैसे इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर आप देखिए जो पहले पन्ने पर है, यह खबर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया को लेकर है, लेकिन काफी विस्तार से इसमें एक्सप्रेस के संवाददाताओं ने बीजेपी की महिला सांसदों से भी बात की है। हालांकि उन्होंने किसी ने भी अकबर पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन मीटू अभियान का वो समर्थन किया है। उमा भारती, मीनाक्षी लेखी, पूनम महाजन हैं, इस तरह की मेहनत अकबर पर लिखी गई हिंदी अखबारों की खबरों में नहीं है। बस यही है कि कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा और खबर 11वें पन्ने पर कहीं किनारे ठेल दी गई, टाल दी गई। यही नहीं, एक्सप्रेस ने एक संपादकीय भी आज लिखा है जिसकी हेडिंग है कि मिस्टर अकबर मस्ट गो, यानी अकबर अब इस्तीफा देना होगा। अखबार में अपने संपादकीय में स्टैंड लिया है इंडियन एक्सप्रेस ने। यह इसलिए बता रहा हूं कि एमजे अकबर की खबर अगर आप विस्तार से लोगों तक नहीं पहुंचने देंगे, उसे रोक दिया जाए, रुक जाए किसी कारण से, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। मैं यही सोच रहा हूं कि क्या समाचार पढ़ने वाले और देखने वालों को एमजे अकबर के बारे में जो खबरें हैं वो विस्तार से पता चल रही हैं, राफेल के बारे में विस्तार से पता चल रही हैं, या सिर्फ नेता लोगों का भाषण छप रहा है। जबकि कई हिंदी अखबार को आप मिला दें तो उनकी पाठकों की संख्या 10, 20, 30, 40 करोड़ से ज्यादा हो जाती है।
अकबर की खबर ना छापने का उनका संपादकीय फैसला हो सकता है, कारण क्या या ना हमने पूछा ना उसमें मेरी कोई राय है, लेकिन कहां छपी है कहां नहीं छपी है ये तो गिन सकता हूं, कितनी छपी है ये भी बता सकता हूं। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी के पाठकों तक यह खबर किस रूप में पहुंच रही है और किस रूप में नहीं। जैसे न्यूज लॉन्ड्री में छपता है कि अंग्रेजी के इस अखबार ने नहीं छापा, इस अखबार ने छापा, उसी प्रक्रिया के तहत। तो इलाहाबाद के एक प्रमुख हिंदी अखबार में अकबर से संबंधित खबरें 10 अक्टूबर को पेज 11 पर और 11 अक्टूबर को पेज 13 पर छपी थी, वो भी 4-5-6 लाइन की खबर। महिला पत्रकारों के आरोप का जरा भी जिक्र नहीं है। एक अन्य प्रमुख हिंदी अखबार में 9-10-11 अक्टूबर को एमजे अकबर से संबंधित खबर ही नहीं है। सोचिए, जबकि हम इस अखबार में मीटू पर 2 संपादकीय लेख हमने देखे, उन लेख में भी अकबर का प्रसंग नहीं है। तो आप समझिए कि लोकतंत्र को गायब करने के लिए सबसे पहले खबरों को, सूचना को गायब किया जाता है। बनारस के 3 अखबारों में से किसी भी हिंदी अखबार में अकबर की खबर को प्रमुखता और पूरे विवरण से नहीं छापा गया है। अमर उजाला और जागरण में अकबर की खबर है, मगर 10 से 20 लाइन की है, वहां है। एक बड़े हिंदी अखबार में तो अकबर की खबर ही नहीं है। इन सब में आलोकनाथ की खबर काफी प्रमुखता से छपी है। बिहार के सहरसा जिले से कन्हैया हमारे सहयोगी हैं, बनारस अजय सिंह ने बताया, उसी तरह से कन्हैया ने बताया कि उनके जिले में 4 अखबार आते हैं, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। 11 अक्टूबर को किसी में भी अकबर की खबर नहीं मिली उन्हें, हो सकता है छूट गई हो, लेकिन उन्हें ठीक से देखकर बताया कि कहीं नहीं है। 10 अक्टूबर को प्रभात खबर के पेज नंबर 13 पर छपी, हम हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं जो हमारे संवाददाताओं ने देखी है और जिला संस्करण की। क्या बनारस, इलाहाबाद और सहरसा के हिंदी अखबार पढ़ने वाले पाठकों को कुछ भी पता है कि एमजे अकबर पर क्या आरोप लगे हैं, किन किन महिला पत्रकारों ने कितना जोखिम लेकर अपनी दास्तानें बताई हैं, किन लोगों ने लगाए हैं? इसी तरह से मराठी और बांग्ला अखबारों का भी अध्ययन किया जा सकता है। अखबार में 15-15 पन्ने होते हैं, अगर 3 दिनों तक कहीं भी यह खबर विस्तार से पूरे डिटेल के साथ ना छपे तो पाठकों को पता नहीं चलेगा। हालांकि उनका अपना संपादकीय फैसला होता है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे अखबारों के संपादकीय फैसले एक दूसरे से मेल खाते दिख रहे हैं। इसलिए यह भी चर्चा है कि हिंदी समाचार जगत के न्यूज रूम में मीटू को लेकर महिला पत्रकार खुलकर क्यों नहीं बोल रही। बताइए, अगर वो बोल भी दें तो हिंदी अखबार ही उन्हें जगह नहीं देंगे, तो उनका बोलना तो ब्लॉग तक ही सीमित रह जाएगा और जोखिम और बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि हिंदी अखबारों की मीटू की खबरों में दिलचस्पी नहीं है, खूब है, काफी विस्तार से वो छाप रहे हैं, मगर अकबर की खबर बेहद करीब करीब प्राय गायब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबेले ने भी मीटू अभियान का समर्थन किया है। दी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन आइडवा ने पत्रकार गजाला वहाब के लेख के बाद विदेश राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आइडवा ने कहा है कि उनका संगठन 12 अक्टूबर को 12:30 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा, जहां कोई मीडिया नहीं होगा। ये मुझे लगता है मोदी सरकार की प्रमुख मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि अकबर को खुद सफाई देनी चाहिए। मेनका गांधी के बाद ये इनका प्रमुख बयान है। ईरानी ने यह भी कहा कि जो भी महिला पत्रकार बोल रही हैं, उनका कतई मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। उन्हें खुद बताना होगा, मैं वहाँ थी नहीं और उनकी महिला सहकर्मियों को तंग करना ज्यादती होगा, लेकिन इतना कहूंगी कि जो आवाज उठा रही हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक अच्छी बात भी है, अगर स्मृति ईरानी इतना बोल सकती हैं, तो रविशंकर प्रसाद क्यों भागे जा रहे हैं? 10 अक्टूबर को दिल्ली में उन्होंने जवाब नहीं दिया, 11 अक्टूबर को पटना में जब पत्रकार उनसे पूछने लगे तो तेज तेज चलने लगे। आप देखिए सर, एक सवाल, आज आरोप लग रहे उस पर आपको कल कैबिनेट की बैठक थी, तब उसके बहाने उन्होंने कहा कि कैबिनेट से संबंधित सवाल पूछे, नहीं बताया। आज जब मनीष बार बार पूछते रहे तो रविशंकर प्रसाद ने कहा आज जेपी का दिन है। तो लगता है कोई दिन वही तय कर दें जिस दिन वो बताएंगे, पता नहीं कोई तारीख बता दें कि दशहरा के बाद बोलेंगे। एमजे अकबर नाइजीरिया में महिला सशक्तिकरण पर भाषण दे रहे हैं, 6 अक्टूबर के बाद से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। उनकी यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पर भी कोई खबर मुझे नहीं देखी, जितने देर तक मैं देखा। इंडिया इन नाइजीरिया का एक ट्विटर हैंडल है, फेसबुक भी है, वहीं से ये तस्वीरें ली हैं। अकबर जी वहीं पर हैं, वहां उन्होंने भारत और नाइजीरिया के बीच जियो स्ट्रेटजिक
ये भौगोलिक रणनीतिक संबंधों पर भाषण दिया है। वहां पर अकबर ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उनके भारत आने पर ही 9 महिला पत्रकारों के लगाए गए आरोपों पर जवाब मिल सकेगा। इस मामले में अभी तक अकबर का पक्ष नहीं आया है। इस बीच मीटू प्रसंग के तहत एक और नाम आया है, सुहेल सेठ का। एक महिला निर्देशक ने व्हाट्सएप पर हुई उनके साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट ट्वीट कर दिया है। NDTV ने उस महिला से संपर्क करने का प्रयास किया, ये NDTV.com पर खबर है, मगर वो आगे नहीं आई। वह महिला बातचीत में सुहेल सेठ से कह रही है कि आप मुझे जबरन घर ले गए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर टूट पड़े, मेरे कुर्ते में हाल डाल दिया, हाथ डाल दिया, और भी बातें हैं जो लिख नहीं पा रहा हूँ जो इन महिला ने लिखी है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि 4 महिलाओं ने सुहेल सेठ पर आरोप लगाए हैं, जिनमें से एक ने कहा कि जब वो नाबालिग थी तब उसका यौन शोषण करने का किया गया। सुहेल सेठ के ट्विटर हैंडल पर इस मामले में उनका कोई बयान नहीं मिला, जबकि वो हर पार्टियों में दिख जाते हैं। उम्मीद है किसी पार्टी में उनका बयान मिलेगा। अब एक और जरूरी खबर, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की ये प्रतिक्रियाओं को लेकर इसमें ये सारी चीजें हैं कि एक्सप्रेस की संवाददाताओं ने बीजेपी की महिलाओं से बात की, पर दूसरी खबर यह है कि आज द क्विंट के दफ्तर में आयकर विभाग का छापा पड़ा और वहां पर राघव बहल और उनके घर पर भी छापा पड़ा, जिसको लेकर एडिटर गिल्स और तमाम पत्रकारों ने ये चिंता जताई है कि जो मीडिया हाउस सरकार के को लेकर आलोचनात्मक या क्रिटिकल है, हो सकता है, ऐसा लगता है कि उसे डराने का प्रयास किया जा रहा है।